सुप्रभात बच्चों, आपने पिछले क्लास में पाठ 4 रविवार का दिन पढ़ा था। मैंने आपको इसमें आए हुए जो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द है सबको बताया था, जैसे रविवार, दिन, चिड़िया, तिनका, अखिल, डलिया। उसी तरह से बहुत सारे शब्द को आपने लिखा भी होगा और याद भी किया होगा। आपको इस पाठ को अच्छे से पढ़ना है ताकि आपको पढ़ना अच्छे से आ जाए। एक एक शब्द को अच्छे से देख के पढ़िए और उसके बाद उसको जो छोटी ई की मात्रा वाले शब्द है उसको लिख कर याद करिए। ये मैंने आपको पिछले क्लास में आपको होमवर्क दिया था। अब इस पाठ में कुछ प्रश्नोत्तर हैं, यहाँ पे देखिए उत्तर देना है आप लोग को। बहुत ही इजी है। पहला क्वेश्चन है, अखिल डलिया भरकर क्या लाया? तो यहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है, अखिल डलिया भरकर दाना लाया। उसके बाद है, चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया? तो यहाँ पे उसका आंसर दिया हुआ है, चिड़िया ने अपना घर तिनका से बनाया। उसी तरह से करके यहाँ पर 5 या 6 क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। चिड़िया क्या खाकर उड़ गई? छवि किस पर बाजार गई? घर में कौन आया? रविवार के दिन आप क्या क्या करते हो? इस 6 क्वेश्चन को आप लोग को अपनी पुस्तक में, अपनी कॉपी में बनाना है। मैं यहाँ पे आपके सुविधा के लिए इसके आंसर भी लिख दी हूँ, आप इसको अपनी कॉपी में बना लीजिए और बना के याद कर लीजिए सुंदर और सही सही अक्षरों में। जैसे यहाँ पर पहला क्वेश्चन ऐसा है, अखिल डलिया भरकर क्या लाया? अखिल डलिया भरकर दाना लाया। चिड़िया ने अपना घर किससे बनाया? चिड़िया ने अपना घर तिनका से बनाया। चिड़िया क्या खाकर उड़ गई? चिड़िया दाना खाकर उड़ गई। छवि किस पर बाजार गई? छवि साइकिल पर बाजार गई। घर में कौन आया? घर में अतिथि आया। रविवार के दिन आप क्या क्या करते हो? रविवार के दिन पढ़ाई के साथ खेलते भी हैं। इस तरह से करके आपको ये सारा क्वेश्चन आंसर अपने कॉपी में सुंदर अक्षर में लिखकर बनाकर याद करना है। ठीक है, धन्यवाद।